इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मानवेंद्र सिंह को लेकर लगातार सियासी बाजार गर्म, क्योंकि ना तो उन्होंने अभी तक कांग्रेस को अलविदा कहा है, ना ही उनको जोधपुर या बाड़मेर से मैदान में उतारा गया है। जोधपुर से तो मानवेंद्र खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एहसास हो गया है मानवेंद्र कांग्रेस में नहीं रुकेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे। यही वजह है कि बाड़मेर जैसलमेर से उमेदा राम को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, मानवेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे और राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। गजेंद्र शेखावत इस कहानी की पटकथा पहले ही लिख चुके हैं, यानी राजपूत नेताओं ने गहलोत को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि गहलोत दो राजपूत नेताओं को आपस में लड़वाकर अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन इसी चक्कर में वो कांग्रेस को बर्बाद कर चुके हैं और अब दिग्गज कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। राजनीति के जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि कांग्रेस के बड़े जाट और राजपूत नेता अशोक गहलोत की राजनीति की वजह से कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, यानी गहलोत की राजनीति जाट और राजपूत विरोधी रही है, ऐसा कहा जाता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मानवेंद्र सिंह को लेकर लगातार सियासी बाजार गर्म, क्योंकि ना तो उन्होंने अभी तक कांग्रेस को अलविदा कहा है, ना ही उनको जोधपुर या बाड़मेर से मैदान में उतारा गया है। जोधपुर से तो मानवेंद्र खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एहसास हो गया है मानवेंद्र कांग्रेस में नहीं रुकेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे। यही वजह है कि बाड़मेर जैसलमेर से उमेदा राम को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, मानवेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे और राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। गजेंद्र शेखावत इस कहानी की पटकथा पहले ही लिख चुके हैं, यानी राजपूत नेताओं ने गहलोत को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि गहलोत दो राजपूत नेताओं को आपस में लड़वाकर अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन इसी चक्कर में वो कांग्रेस को बर्बाद कर चुके हैं और अब दिग्गज कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। राजनीति के जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि कांग्रेस के बड़े जाट और राजपूत नेता अशोक गहलोत की राजनीति की वजह से कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, यानी गहलोत की राजनीति जाट और राजपूत विरोधी रही है, ऐसा कहा जाता है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मानवेंद्र सिंह को लेकर लगातार सियासी बाजार गर्म, क्योंकि ना तो उन्होंने अभी तक कांग्रेस को अलविदा कहा है, ना ही उनको जोधपुर या बाड़मेर से मैदान में उतारा गया है। जोधपुर से तो मानवेंद्र खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एहसास हो गया है मानवेंद्र कांग्रेस में नहीं रुकेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे। यही वजह है कि बाड़मेर जैसलमेर से उमेदा राम को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। वहीं इस घटनाक्रम के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, मानवेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे और राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। गजेंद्र शेखावत इस कहानी की पटकथा पहले ही लिख चुके हैं, यानी राजपूत नेताओं ने गहलोत को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि गहलोत दो राजपूत नेताओं को आपस में लड़वाकर अपना बदला लेना चाहते थे, लेकिन इसी चक्कर में वो कांग्रेस को बर्बाद कर चुके हैं और अब दिग्गज कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। राजनीति के जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि कांग्रेस के बड़े जाट और राजपूत नेता अशोक गहलोत की राजनीति की वजह से कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, यानी गहलोत की राजनीति जाट और राजपूत विरोधी रही है, ऐसा कहा जाता है।